मिसाल मैं देता हूँ, उसका मैं मिसाल देता हूँ, डिप्रेशन होगी उसका, फिर उस माशरे में अदब जो है, जो प्रवान चढ़ेगा, जो लिटरेचर लिखा जाएगा, वो मोहब्बत के गिर्द नहीं घूमेगा, आपको ट्रेजेडी के गिर्द घूमता नजर आएगा, क्योंकि उनका स्टैटिक सेंस जीरो पे चला गया। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है, ऐसे ही है जी, रुक हो जाएगा। मसलन वहाँ शेर फिर इस तरह के होंगे कि उजड़ा हुआ तकल्लुम, बिखरे हुए से गेसू, एक शम्मा जलती बुझती, एक जीता मरता जुगनू। हेल्दी लिटरेचर प्रवान नहीं चढ़ेगा। नंबर दो, एक और भी इसकी बहुत बड़ी खूबी ये है कि इमोशनल वैल्यू। इमोशनल वैल्यू के मतलब है कि खूबसूरत जगहों के साथ इमोशनली जब आप अटैच हो जाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोई डिप्रेशन से बचते हैं, आप टेंशन से बचते हैं, और आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये फैक्ट है। इसका मतलब है कि लाहौर में एंग्जाइटी की बड़ी वजह इकोसिस्टम का क्लैप्स कर जाना। एक वजह ये भी है, बहुत और बड़ी एक सिग्निफिकेंट वजह। इधर बड़े अदीब पैदा हुए, ये बर्दाश्त अदम बर्दाश्त जो है ना, इस वक्त आप देख लें अपने नुकता रूज पे। मैं वही ना, हर बंदा लड़ने को तैयार है। वो इसलिए यार है कि हमें वो इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रही। जब बाहर की इन्वायरमेंट नहीं ठीक होगी तो अंदर की इन्वायरमेंट कैसे ठीक हो सकती है? नंबर वन, सैर करने के लिए लोग कहाँ पे जाएं? देखें, जब भी आप कहीं बागे जना, एक हमारे पास सिर्फ रह गया या एक जलानी पा, इसमें लोग जाते हैं, कभी आपने देखा? इससे बाहर निकलते हैं और जैसे ही माल रोड या जेल रोड पर आते हैं, ट्रैफिक इतनी होती है और एंजाइटी वापस आ जाती है और वहाँ पे लड़ाई झगड़े अपने अरूज पर हैं। सिर्फ एक बात मैं करना चाहता हूँ, वो ये है जी, बेसिकली के जो अर्बन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में अगर सही हम प्लानिंग करते हैं, सही प्लानिंग करते हैं, तो इसके एक तो ये है ना, एस्थेटिक वैल्यू सेटिस्फाई होगी, एक इमोशनली। नंबर दो, पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे ज्यादा अर्बनाइज मुल्क है और इतनी तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। अब 40% से ज्यादा पाकिस्तान अर्बनाइज हो चुका है। हम पहाड़ों को दौड़ते हैं, हम खेतों को दौड़ते हैं, वो भी जहां लोग रह रहे हैं, वहां की एनवायरमेंट को ठीक करो, वहां पौधे लेके आओ, वहां जानवर लेके आओ, वहां पेरी अर्बन फॉरेस्ट बनाओ, दरिया के साथ साथ ऐसी जगह बनाए लोग जाके हर रोज या हफ्ते में एक आध दफा एंजॉय करें, रिक्रिएशन हो, और फिर दरख्त ऐसे लगाएं जिनका कल को फायदा भी। इसका मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम आपका इतना तबाह हो गया है कि आज भी पुरानी लोक दास्तान नहीं चल रही है। पुरानी हीर रांझा ही पे हम इक्तफा कर रहे हैं, है? इस दौर ने कोई हीर रांझा नहीं दिया, ठीक है? लेकिन आप, मुझे जो समझ आई है उन लोगों के लिए जो आपकी अदबी जुबान समझ रहे हैं, 30 तक पाकिस्तान अर्बनाइज मुल्क होगा, रूरल एरियाज में आबादी बड़ी कम रह जाएगी, तो फिर अगर शहर ऐसे बढ़ते रहे तो उन क्या होगा, शहरों का इकोसिस्टम का क्या होगा? जहाँ लोग आबाद है उसको तो खूबसूरत करें पहले। पाकिस्तान जरी मुल्क नहीं रहेगा, जो हम दास्ताने सुनाने के, कोई शहर खूबसूरत बनाए, लोग शहरों की दास्ताने बयान करें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आने वाली नस्लों को हीर रांझा देना है, ससी पुनू देनी है, और अदब परवान चढ़े वहाँ, एस्थेटिक सेंस परवान चढ़े, एंग्जाइटी कम हो, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपको खूबसूरत एरियाज प्रमोट करने पड़ेंगे, इकोसिस्टम बहाल करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बेहतर करना पड़ेगा। एक बात मैं और कर लूं, उसके बाद मैं बात नहीं करूंगा, बहुत बात कर चुका हूं। वो जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि अब जो नए सिटीज डेवलप करेंगे ना, ये उसमें जैसे अमरीका में अब हो रहा है कि नए सिटी जहाँ डेवलप हो रहे हैं, नेचर और मैनकाइंड को इंटेग्रेट कर रहे हैं। वहाँ आपको घर भी मिलेंगे, वहाँ आपको हिरन भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, पौधे भी मिलेंगे, और वो स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेज भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ भी मिलेंगी। आप घर से निकलते हैं, रास्ते में आपको हिरन मिल जाता है, जानवर मिल जाते हैं, इतने घरों निकलते हैं, कुत्ता लाभदा था वो भी पैन वाला। सो मेरा कहने का मतलब यह कि आगे भी सोचे, अब शहरों को कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, ये नहीं कि उनको कंक्रीट के जंगलों में घुसा दो। ये अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और दरिया के साथ साथ दरिया रावी के 5-7 किलोमीटर की नहीं, आप समझते हैं कि लाहौरियों को घर से बाहर निकलते ही हिरण मिलना शुरू हो गया, ये तो खा जाएंगे उसको। नहीं, देखे हिरण लाल होने लग गए। नहीं, मेरी बात सुन ले, हम मीडिया वाले ढूंढते फिरेंगे कि भाईजान हिरण कहाँ गए। वो बात ये है बेसिकली कि लोग केयर करते हैं, अगर लोगों की, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया है अभी, साहिब साहब ने, ओनरशिप हो, यदि आपके जानवर है, मिसाल के तौर के ऊपर हड़ियाल सॉरी मारखोर खा के तबाह कर दिया था नदन एरियाज में, उन्होंने ट्रॉफी हंटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी कि जी आप इनको ना मारें, तो बाहर से जो लोग आएंगे उनसे हम 1 करोड़ रुपया लेंगे एक मारखोर मारने का,
और वो आमदन भी हो गई, इतने मार खोर हो गए, आप जाके ट्रॉफी रख लियो, जगह जगह मार खोर, ओनरशिप दी है ना, ठीक मैं ये इन्होंने कहा ओनरशिप का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, इन्होंने अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। मलिक साहब ये गुफ्तगु सारी आपने सुनी, तो क्या बेहतरी आएगी इस तरह, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है कितना लाहौर के लिए फ्रूटफुल होगा, कितना बेहतरी लाएगा? देखिए फाह साहब, जैसा कि पीएचए के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बाकायदा बताया कि हम 300,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल के वक्त में हमें तो हीरांजा भी नहीं दिया, इस वक्त ने स्ट्रेस तो दी है ना, आपने कहा जी हमें हिरन नज़र नहीं आता, कुत्ता नज़र आता है। मसला ये है कि जब तक हम अपना काम खुद से नहीं करेंगे, एक दूसरे पे नहीं फेंकेंगे, तब तक काम नहीं होगा। चलें ये तो मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो डीसी लाहौर ने आज एक अहम इजलास किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि हम रूरल एरिया को और शहरी एरिया के अलावा हम स्कूलों की ओनरशिप दें। जो अभी बात ये कह रहे थे, एक एक प्रिंसिपल के ज़ुम्मे, एक एक जो जो जिस के ज़ुम्मे स्कूल लगता है, डी यू एजुकेशन हो गया या असिस्टेंट एजुकेशन हो गया, उसके ज़ुम्मे एक एक स्कूल लगाएंगे। 100 स्कूल हैं और टोटल लाहौर में इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं 6.5 लाख के करीब पढ़ रहे हैं। 100 स्कूलों को पहले हम टारगेट बनाएंगे, 5 तहसीलों को असिस्टेंट कमिश्नर्स और नीचे एक पूरी हायरार्की रखेंगे, ताकि उनको ओनरशिप दी जाए कि ये आपका एरिया है, यहाँ पे आपने पौधे लगाए और फी बच्चे के नाम एक पौधा लगाया जाए। ओनरशिप जो कह रहे थे जी बिल्कुल। अच्छा अगर ये इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आपके लाहौर में, जैसा कि इन्होंने अभी फरमाया कि कुछ चांसेस हो जाएंगे बारिश होने के, यानी कि होते नहीं है कि आज बारिश होगी और बगैर वजह की बारिश, कुछ चांसेस हो जाएंगे हवा में नमी रहने के, उससे होगा क्या आप हमारे माहौल में जो एक यह अभी मार्च चल रहा है, तो जिस दिन सही धूप पड़नी है सब ने कहना गर्मी आ गई, तो ये गर्मी को बढ़ाने के लिए ये पौधे लगाए जाते हैं। नहर पे इन्होंने पौधे, जो नहर का प्रोजेक्ट शुरू हुए वहाँ पे इन्होंने दरख्त खत्म किए, वहाँ पे अभी पूरे दरख्त नहीं लगाए जा सके, और इन ट्रेन पर पौधों के साथ जो भी आपके सामने खिलवाड़ हुआ वहाँ पे भी पौधे नहीं लगाए जा सके। अभी जो चेयरमैन है उन्होंने कहा जी 30% काम हुआ, 70% तज़ीनों राइश पे हुआ, तब भी अफसरान वही थे, तब भी ब्यूरोक्रेट्स वही थे, अभी भी वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, अभी भी अफसरान वही हैं, ऊपर से हायरार्की चेंज हुई है, नई हायरार्की आ गया, देख लेते हैं ये कितना काम करवाते हैं, 8 माह तो हो गए हैं। मकसद ये कहने का है कि इस वक्त जो शहर लाहौर की सूरत हाल है, 6 लाख पौधा जो है ये लगाने जा रहे हैं 18 तारीख से, वज़ीर-ए-आला पंजाब इसका इब्तदा करेंगे, उसके बाद जो है वो एक पूरा मार्च का सेशन मनाया जाएगा बहारा के तौर पर, जश्न बहारा फेस्टिविटी मनाया जाएगा, इसमें जगह जगह पौधे लगाए जाएंगे स्कूलों में, बच्चों से प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर हर बंदा इसमें इन्वॉल्व होगा, और इसको बाकायदा तौर पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत चलाया जाएगा। पहले भी इससे कुछ 5 माह पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चलाई, मगर उसके फौरी बाद मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ आ गई, मगर अब दोबारा से इस क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शहर लाहौर में सिर्फ 10 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि 10 लाख पौधे, कितने पौधे, क्या क्या नाम है पौधों के, वही बात जानवर हमसे जो हैं वो चिरिन प्रिंस जितने भी हैं, शहतूत का दरख्त होता था कितना मज़ा आता था, शहतूत के दरख्त के ऊपर चढ़ते थे, ठीक है, तितलियाँ रेस को उस पार्क चले जाएँ तितलियाँ नज़र नहीं आती, जुगनू नज़र नहीं आते, वैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जो भी पौधे थे जो उनके काम के थे, जितने भी फ्रूट ट्री थे वो सब गायब हो चुके हैं, वैसे नहीं है जिससे होना चाहिए। बटरफ्लाई पार्क है, आप मेरे से चलें चलो बटरफ्लाई पार्क में जाके देखें, इन्होंने मेहनत की हुई है, बहुत दिन रात मेहनत की है, मगर अब इनके पास वैसा इंतजाम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पैसे लगते हैं तितलियों को पैदा करने के लिए, उनके अंडों को बचाने के लिए, उनको अंडों से नजर की खुशफहमी, यानी कि वो एक बात तो सच है, बात नजर तो की है, नजर की खुशफहमी, इस तरह नहीं होता, तितलियां पकड़ने को दूर जाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। अब ये जिला इंतजामिया जो है इसको लेकर चलना चाह रही है, 7 PHA 7 LWMC 7 जो लाहौर में एक मूव चल रही थी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की, उसको एक बाकायदा तौर पे ये एक क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को नजर आए कि शहर लाहौर में काम हो रहा है। अभी आगे देखते हैं क्या होगा, मगर अभी तो इन्होंने आज के ख्याल ये सारी चीजें अंदरून लाहौर की किस्मत में कैसे होंगी, कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ तो गलियाँ जो हैं इतनी कंजस्टेड हैं कि देखिए दो भैंसें क्रॉस नहीं कर सकती। सर आपका लाहौर जो है वो कंक्रीट बन चुका है, आप मेन बुलेवार्ड पे चढ़ते थे तो आपको राइट लेफ्ट जो है 8-8 किनाल की कोठी नजर आती थी, अब आपको प्लाजे नजर आते हैं, वो वहाँ पर जो पानी समोता था जमीन के अंदर वो खत्म हो गई है, जो उन्होंने अपने लॉन बनाए हुए थे 8-8 किनाल के, अब वो चीज़ें नहीं। देखें आपकी जितनी भी रूरल एरिया था, जिसको हम रूरल एरिया कहते थे, वो आपका जोहर टोन से आगे शुरू हो जाता था, अब आपका जोहर टोन
کیونکہ آگے جا کر صحیح شہر شروع ہوتا ہے، سوسائٹیز بن گئی ہیں آپ کا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شہر لاہور جو ہے وہ تو ٹھوکر بھی کراس کر لیں تو گرینری نہیں آتی، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ درخت ختم کریں گے، ہمیں پتہ نہیں کہ درخت ہمیں کیا دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پر ہمارے ارد گرد ایک اچھے درخت لگے ہوئے ہیں، سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہے، اسے ہمیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہماری آکسیجن بھی ٹھیک ہے، سانس بھی ہمیں لینے میں مزہ آ رہا ہے۔ اور یہیں آپ باہر چلیں، جیل روڈ پہ آپ کسی ایسی سڑک پہ چلے جائیں، کوئی علاقے میں چلے جائیں، تو آپ کہیں گے یار میں کس علاقے میں آ گئی ہوں، ابھی یہ بھی شہر کا لاہور کا علاقہ ہے، یہ بھی لاہور کا علاقہ ہے۔ ٹھیک بات، گھوڑے شاہ اور آپ کو لارنس میں فرق تو نظر آئے گا نا، تو یہی گھوڑے شاہ چونک جو ہے، یہی جو چاہ میرا کا چونک ہے، یہی جو سلطان پورہ کا چونک ہے، یہی جو ناخدا ہے، یہی جو شاد باغ ہے، وہ ایسا ہو جائے تو کیا ضرورت ہے، وہاں کے بچے بیمار ہوں گے، سٹریس نہیں آئے گی لوگوں کو بات کرنے کا مزہ آئے گا، سردی آئیں گی، گرمی آئیں گی، ایک ماحول ملے گا۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر کا انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے، بھائی باہر کا انوائرمنٹ، وہ اپنے لوگ جو ہیں نا، اپنے ملک کے ساتھ جو ہیں بہت زیادہ محب وطن ہے، ہم پیٹریٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر پیٹریزم بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ میں نے پھینکا ہے کوئی اور اٹھائے گا۔ کلین اینڈ گرین مہم، لوگ ہمارا ساتھ دیں، اینڈ پہ درخواست کی جاتی ہے، بالکل پبلک سروس میسج بھیجے جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اب پبلک کہتی ہیں کہ جی یہ افسر ہے، اس کے نیچے چھ بندے ہیں، کیا وہ چھ بندے پورا لاہور جو ہے پودے لگا سکتے ہیں، کیا وہ چھ بندے پورا لاہور جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں؟ میں بالکل اس پہ جو ہے وہ کلین اینڈ گرین مہم کے اوپر ہر شہری کو کہوں گا اپنے حصے کا وہ کام کریں، آنر شپ قائم کریں، آئیں آ کر ضلع انتظامیہ سے پوچھیں کہ جی ہم درخت لگانا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ان سے آ کر پوچھیں، اپنے اسکول، اپنے گھروں میں۔ ایل ڈی اے نے ایک اچھا اقدام کیا کہ جی جو ایک نال کے گھر میں دو درخت، تین درخت، چار درخت، تین درخت بہت ضروری، دس مرلے میں دو، ایک نال کے گھر میں تین درخت ضروری ہیں، بڑا اچھا اقدام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کنال کا گھر کب بکے گا، کب کوئی آگے درخت لگائے گا، کیا صورت ہے، امپلیمنٹ کیسے ہوگا، امپلیمنٹ کیسے ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات ہے گیلانی صاحب، یہ بہت ساری خوبصورت گفتگو، ایکسپرٹ جو انوائرمنٹ کو دیکھنے والے ہیں اور اس ماحول کو آنے والی نسلوں کے لیے، باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں میری طرف آ گئی۔ کیا آپ کا رسپونڈ کیا، رسپونڈ کیا؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بالآخر ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس میں ہم اتنے اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ایشو امپورٹنس، اس ایشو نے امپورٹنس لیے، اس سے پہلے تو اس کو کسی نے کنسیڈر بھی نہیں کیا۔ ہم کس حد تک کنسیڈر کر رہے ہیں، کوئنز روڈ کے اوپر ایک درخت کٹا ہے، میں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، ایک درخت کٹا ہے کوئنز روڈ کے اوپر، رجسٹر میرے پاس موجود ہے، ہم نے وہاں پہ ایف آئی آر کٹوائی ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم اس طرح سے سیریس لے رہے ہیں اس ایشو کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے، بالکل یہ ٹھیک انہوں نے کہا، اس سے کہ اونرشپ ہونی چاہیے اور کون کون سے درخت ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے پی ایچ اے کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ ہم اب اپنی فرسٹ بورڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹوریٹ بنائیں گے، یا ہم اپنے ایک ونگ بنا کے اس کو کسی یونیورسٹی کے ساتھ لنک کریں گے، تاکہ ہم وہاں پہ پراپر جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو ریسرچ ہے وہاں سے استفادہ کر سکیں، ٹیشو کلچر ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ ہم وہاں پہ استفادہ کر سکیں، وہ کریں گے ہم۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، لیکن وی آر کمیٹیڈ، ہم پہلی بورڈ میٹنگ میں انشاءاللہ یہ کریں گے۔ جو دوسری بات ہم نے رنگ روڈ کے اوپر جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ ٹریز لگا رہے ہیں کہ جن کو ہم فروٹ والے ٹریز کہتے ہیں، اور منیمم پھر اگین وہی والے کہ جہاں پہ ایٹ لیسٹ پرندے آ کے بیٹھے۔ ہم مثال کے طور پہ جو میں 11 انکلیو ہم نے بنائے ہیں رنگ روڈ کے ہر پیکج کو، اس میں مولسری ہے، اس میں ارجن ہے، اس میں جامن ہے، اس میں امرود ہے، اس میں نیم ہے، اس طرح کے اور جو ہم بوڑی ہے، ہمارے جو لوکل ٹریز ہیں جن کی پھیلاؤ زیادہ ہے، جو انوائرمنٹل امپیکٹ زیادہ دیتے ہیں، میڈیم سائز ٹری نہیں لگا رہے، میڈیم سائز ٹری کا اور بڑے ٹری کا امپیکٹ بڑا ہوگا۔ ہم نے اس پہ کافی، میں نے ایکسپرٹ سے بات کی، کرنے کے بعد ان کو ہم نے بورڈ آن بورڈ لیا، لیکن فردر ہم آر این ڈی جب بن جائے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ تیسری چیز آنرشپ کی، ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم جو مورٹیلٹی ہے وہ یقیناً ہوتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم مورٹیلٹی ہو۔ ہم رنگ روڈ کے اوپر، کیونکہ پھر ایک ہمارے ساتھ ظلم ہوا کہ اس کے پراپر رائٹ آف وے نہیں چھوڑا گیا، نہ سائڈوں پہ نہ سینٹر میڈین میں۔ اگر پراپر جگہ چھوڑی جاتی درختوں کے لیے تو وہ خوبصورت ترین انکلیو ہونا تھا۔ اب ہم وہاں پہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں سلوپ پہ لگا رہے ہیں، کہیں سائڈ پہ لگا رہے ہیں، جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے، 100,000 ہم نے وہاں ٹارگیٹ کر لیا اور سٹارٹ کر دیا۔ ہم وہاں پہ ہائٹ ہم نے سوچا ہے کہ منیمم 6 feet ہو، اور اس سے اباو کے لگائیں، اس کی مورٹیلٹی کے ریشو جو ایکسپیرینس بتاتا ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ایک تو ہم وہ لگا رہے ہیں، دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، ہم نے میڈیا کے ساتھ ساتھ ہم 25 to 30 لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نرسری میں وہ بڑے پودے نہیں تھے، ہم نے کارپوریٹ سیکٹر کو، ہم نے سوشل سیکٹر کو انگیج کیا، وہ ہمیں پلانٹس دے رہے ہیں،
उनके लोग आते हैं, एम्प्लाइज आते हैं, मिलके हम एक फेस्टिविटी की शक्ल में वहाँ पे प्लांट लगाते हैं एंड दे फील ऑनरशिप। जो बंदा खुद पैसे दे के पौधा लगा रहा है उससे बड़ी उसकी ऑनरशिप क्या होगी। हम इस 1,00,000 पौधे में कॉर्पोरेट सेक्टर को, सोशल सेक्टर को हम उसको दे रहे हैं, ऑनरशिप दे रहे हैं। सेकेंडली हमने क्या किया, मैं खुद गालबन कम अज़ कम 15 से 20 स्कूल्स में मैं अभी इस सीज़न में जा चुका हूँ। इसके अलावा और भी स्कूल्स में हमने जाना है। आपने शाहदरा की बात की थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहदरा का विज़िट करें, वहाँ पर जाके देखें 200 से ज़ायद वहाँ पर जगह थी, 200 से ज़ायद हमने परमानेंट ट्रीज लगाए जो बड़े होंगे इंशाल्लाह जाके वो मिनी जंगल की शक्ल में, बड़ा खूबसूरत हमने वहाँ पर क्यारियाँ बना के हमने पूरी तरह से हेल्प आउट किया है। शाहदरा के तकरीबन तमाम स्कूलों में हमने लगाए, बाकी स्कूलों में भी हम जा रहे हैं। मैंने तमाम डायरेक्टर्स को कहा, कल हमारी मीटिंग है उनको कहे, फिर हमने मैंने आईजी साहब से डीआईजी साहब से मीटिंग की, हमारे पास थानों की फहरिस्त आ गई है, वहाँ पे 5 दरख्त लगते हैं, 2 लगते हैं, 20 लगते हैं, हम वो कैपेसिटी के मुताबिक उसकी कैपेसिटी के मुताबिक वहाँ पे लगाएंगे, उनको ऑनबोर्ड करेंगे। तो ये एक ज्वाइंट ऑनरशिप आ रही है, हर डिपार्टमेंट हर इदारा वो लगा रहा है। हाँ, इसके बाद आगे फर्दर इसको हम एक और काम कर रहे हैं, जो हमारे छोटे पौधे हैं वो हम एक हमारा प्लान है, परसों हम अवेयरनेस भी होगी और गिव अवे प्लांट्स भी होंगे, हम लोगों को प्लांट्स भी बांटेंगे ताकि उसके पास वो लोग जो जिनके घरों में जगह वहाँ पे जाके लगा सकें। तो हम इसके ऊपर पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सेटिस्फाई हैं, एग्री हैं, ये ठीक कह रहे हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। दो चीज़ें मैं सिर्फ बताऊँ, देखें ये इनिशिएटिव पंजाब यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ले चुकी है। देखें अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई जो स्टेक मेन स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं अभी तक इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को ऑन बोर्ड लिया और उनसे कोई मीटिंग की हो पीएचए ने, मेरा नहीं ख्याल। डिपार्टमेंट में प्रोग्राम करके आया हूँ, वहाँ पे लेक्चर डिलीवर किया, वहाँ पे बात की, लोगों को एंगेज किया, वहाँ पे हमने ग्रीन डे मनाया, वहाँ पे पौधे लगाए। मैं वाइस डिपार्टमेंट में, ठीक है ठीक है। अभी जो मोर्टेलिटी रेट की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 10 साल से 1 दरख्त नहीं कटा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस की मिसाल दे रहा हूँ, कॉलेज ऑफ अर्थ एनवायरमेंटल, आप तो ठीक है, मैं कॉलेज ऑफ अर्थ बड़े स्कोप पे देख रहे हैं कि हमने शहर को देख रहे हैं, यहाँ पे दरख्त कटे हैं। मैं एक बात फिर कट गया इधर हूँ कि देखिए आपके पास तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास पुलिस है, थाना है, हर चीज है, ठीक है जी ना, हमने तो पूरी पास तो स्वाये मिन्नत तरला और वो अवेयरनेस देने के लिए, और एज ए प्रोफेसर हमारे पास तो कलम के अलावा कोई चीज नहीं, आपके पास तो डंडा भी है। तो उसके लिए अभी आपने जो FIR दर्ज कराई, मेरा सिर्फ आपसे यही है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ मसाली रबते में आ जाएं, आप मोटी बात ये है कि रबते में आ जाएं। पहले काम कर रहे हैं हम, तो डायरेक्टरेट रबते में हम सीखेंगे आपसे, और हम तो हमेशा से कहे कि हम सीखेंगे, हम इसको कर रहे हैं। आपने एक अहम चीज थी कि ग्राउंड वाटर को यूज नहीं किया जा रहा था, हमने पीएचए ने ये इनिशिएटिव लिया और केस भी चल रहा था। हमने 68 हमारी मस्जिदें हैं जिनके हम वुजू के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हमारा पुराना दादा साहब, अगर दादा साहब ये इंप्लीमेंट आप करेंगे 1,00,000 गैलन डेली आप बचा सकते, वो भी चल रहा है, वो कोर्ट में डिसीजन हुआ है, वो हमें करके देंगे, पंजाब कोर्ट में करके देंगे जी। इनकी बातें आपने सुनी सारी, बड़ी अच्छी बातें, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जिन पौधों का नाम लिया है उनमें बहुत से पौधे ऐसे हैं जो कि जिनका नाम नहीं लिया गया, जो यहाँ के नेटिव है, मिसाल के तौर के ऊपर देसी देसी कीकर है, वन है, नहीं वो कह रहे 60 की लिस्ट है मेरे पास, एक मिनट जंड है, फुलाई है, और वन, ये सारे जो दरख्त है ये यहाँ के दरख्त है जो गायब हो गए, सिवाय कब्रिस्तानों के कहीं नहीं है, उनका कहीं नाम ही नहीं। और नंबर दो, अगर आप ऐसे प्लांट लगाएंगे जो कि ज्यादा पानी मांगते हैं तो फिर आपका पानी का मसला होगा। आप जंड लगा दे, वन लगा दे, क्री लगा दे, फुलाई लगा दे, आप खजूर लगा दे, उसको एकदम थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको पानी देने की जरूरत होती ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात और समझनी है, आखिरी बात है ये, वो ये कि आप इकोसिस्टम को नॉर्मलाइज करने के लिए एक कंपोनेंट तो हो गया कि दरख्त लगाएं, उसके साथ बाकी कंपोनेंट्स इसके क्या हैं? सर बात यह है कि एक अर्बन इकोसिस्टम की स्टडी होके होनी चाहिए, दरख्तों के साथ साथ जो है किस तरह लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किस शक्ल में लगाने हैं, ठीक है, और अगर कोई ग्रीन एरियाज है उनको आपस में मिलाना है या नहीं मिलाना, और उसके साथ फिर अगर सही दरख्त लगाएंगे जानवर खुद आ जाएंगे पौधों के ऊपर। और शहर में जहाँ गुंजाइश ही कोई नहीं, वहाँ चीनी फार्मूला इस्तेमाल कर ले, वो पिलर बीम के साथ इमारत खड़ी करते हैं बहुत ऊंची और हर उसके ऊपर वो दरख्त लगा देते हैं, और ताकि हवा साफ हो, ऑक्सीजन मिले। मुझे नहीं पता, हो सकता है महंगा हो, आप ना करना चाहिए। हमने कॉलेज ऑफ एनवायरमेंट साइंस में किया, अर्बन गार्डनिंग करें आप, अकबरी मंडी के अंदर आप, अंदरूनी शहर में
अर्बन जो है ना वो गार्डनिंग करें और उसके अंदर अपना जनाब बड़ी अहम बात है जी। हम आरएनडी में इनसे जरूर इस्तेफादा हासिल करेंगे, बाकी एक्सपोर्ट से करेंगे, यकीनन हमें सीखने का अमल है और इसको बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी और ये बड़ा अहम तरीन टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हमारी और आपकी नस्लों से वाबस्ता है, आने वाली नस्लों से, और आप सारे लोग जो सुन रहे हैं आप पार्टनर हैं, आप अगर इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, अगर आप पार्टनर नहीं बनेंगे इस एनवायरनमेंट के और इस शादाबी के सरसब्ज़ो शादाब लाहौर के, तो ये कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।